प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के लोगों को जिला का पहला महिला थाना तोहफे में दिया है, जहां अब महिलाएं बेबाकी से अपनी शिकायतें रख पाएंगी। जयराम ठाकुर ने मंडियाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मीडिया द्वारा सोलन को नगर निगम बनाने के सवाल पर उन्होंने माना कि सोलन धर्मशाला से पहले नगर निगम बनना चाहिए था, क्योंकि वह नगर निगम की सभी शर्तें पूरी करता है। धर्मशाला से ज्यादा जनसंख्या सोलन की थी। उन्होंने कहा कि उनके पास विभिन्न संगठनों ने और भाजपा संगठन ने भी नगर निगम बनाने की मांग उनके समक्ष रखी है, जिस पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे नगर निगम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला का नाम बदलने का प्रस्ताव उनके समक्ष आया था, लेकिन उन्होंने शिमला का नाम बदलने के लिए कोई बात नहीं की है। अगर हिमाचल के लोग इस विचार पर ज्यादा जोर डालेंगे तो वे विचार करेंगे। कि शिमला धर्मशाला कॉरपोरेशन बन गई, लेकिन सोलन में नहीं बनी। ये मांग हमारे समक्ष आई है, हमारे साथियों के माध्यम से, लोगों की ओर से भी आई है, संगठन की ओर से भी आई है। इसको हम गंभीरता से एग्जामिन कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब भी ऐसी परिस्थिति होगी, जब हम कॉरपोरेशन बढ़ाने की ओर आगे बढ़ेंगे, तो गंभीरता से विचार करके निर्णय करेंगे। देखिए, नाम बदलने की बात ही नहीं की हमने। किसी ने सुझाव दिया कि शिमला का नाम श्यामला माता के नाम से था, और उस दृष्टि से क्योंकि अंग्रेजों को श्यामला बोलने, माँ श्यामला बोलने में कठिनाई आती थी, ये प्रोनाउंसिएशन में बिगड़ते बिगड़ते श्यामला से शिमला हो गया। एक बात कही है, तो हमने इसको बदलने की बात कही नहीं है। हाँ, मैंने ये बात जरूर कही, लोग अगर इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह करेंगे तो विचार करेंगे, ये बोला है। जयराम ठाकुर ने नशा विरोधी महारैली को संबोधित भी किया और कहा कि हिमाचल में सबसे ज्यादा नशा पंजाब से आ रहा है, और फिर उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों पर 1000 से ज्यादा केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब के युवा जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि नशे पर नकेल कसने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे और आरोपियों की बेल ना की जाए, ऐसा भी प्रावधान किया जाएगा। कि शिमला धर्मशाला कॉरपोरेशन बन गई, लेकिन सोलन में नहीं बनी। ये मांग हमारे समक्ष आई है, हमारे साथियों के माध्यम से, लोगों की ओर से भी आई है, संगठन की ओर से भी आई है। इसको हम गंभीरता से एग्जामिन कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब भी ऐसी परिस्थिति होगी, जब हम कॉरपोरेशन बढ़ाने की ओर आगे बढ़ेंगे, तो गंभीरता से विचार करके निर्णय करेंगे। देखिए, नाम बदलने की बात ही नहीं की हमने। किसी ने सुझाव दिया कि शिमला का नाम श्यामला माता के नाम से था, और उस दृष्टि से क्योंकि अंग्रेजों को श्यामला बोलने, माँ श्यामला बोलने में कठिनाई आती थी, ये प्रोनाउंसिएशन में बिगड़ते बिगड़ते श्यामला से शिमला हो गया। एक बात कही है, तो हमने इसको बदलने की बात कही नहीं है। हाँ, मैंने ये बात जरूर कही, लोग अगर इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह करेंगे तो विचार करेंगे, ये बोला है।